आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव उदोपुरा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इसकी दूरी 20 किलोमीटर है। इस गांव की प्रधान श्रीमती अमरवती हैं। 2000 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गाँव की बागडोर संभाले हुए हैं। 4 वर्ष में इन्होंने अपने गाँव में कितने विकास किए हैं और क्या क्या समस्या अभी बाकी है, आइए सुनते हैं प्रधानपति की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के उदोपुरा गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास कार्य करवाए जा चुके हैं जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 में आपका स्वागत है। यहां 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने अब तक करवा दिए? देखो, जैसे और एक स्कूल तक बनवाई है, दूसरा स्कूल की बाउंड्री बनवाई है, उसमें टेल्स बिछवाई है, टंकी लगवाई है, 4 स्कूल हैं, चारों में लगवा दी। 4 स्कूल हमारे उसमें अंदर में आते हैं। यहाँ आवास मिले हैं लोगों को? आवास मिले हैं। शौचालय से गांव ओडीएफ हो गया पूरा? हाँ, गांव हो गया। उसमें जो आप पैसा आए हैं वो रह गए, बनने से 2-4 नहीं तो सब बना दिए। यहाँ सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल मिल रहा है। उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन ये हुए हैं सब? जी जी। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड वगैरह बन चुके हैं सभी के? हमारे यहाँ कोई कंप्लेंट भी नहीं करते, पता है ना, ये बहुत सही काम करते हैं प्रधान जी, इसलिए कोई आज तक शिकायत भी नहीं है। मतलब जनता का काम आप अपने स्तर पर ही काफी अच्छा कर देते हैं, उन्हें शिकायत का मौका नहीं देते हैं। जी। यहाँ पर जो है स्कूल के अलावा सरकारी बिल्डिंग में बारात घर है? जी हाँ है, बारात घर। पंचायत घर है? जी जी, पंचायत घर। आंगनबाड़ी केंद्र भी है। अस्पताल? अस्पताल नहीं है। कितनी आबादी का ये आपकी ग्राम पंचायत है? पूरी ग्राम आबादी की जो है ये लगभग 5000 के करीब, मानो 5000 के करीब। अस्पताल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से अस्पताल पड़ता है भगतपुर है, लगभग यहाँ से हुआ 8 किलोमीटर हुआ, 8 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। उसके पहले यहाँ कोई अस्पताल नहीं? अस्पताल नहीं। तो आप चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में कोई सामुदायिक केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ सरकार जो है निर्माण करे? चाहते हैं सरकार से कि एक हमारे यहाँ कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बन जाए, वो दूर दूर तक नहीं है, परेशानी जगह भी है हमारे पास, ग्राम समाज की भूमि है यहाँ पर उपलब्ध है। पहले प्रस्ताव भी भेजा था लेखपाल द्वारा, तहसील के माध्यम से, उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शमशान घाट, कब्रिस्तान वगैरह है यहाँ, बाउंड्री वाल हो रखी सभी? उसमें बाउंड्री वाल तो जो है हमारा नहीं हुई किसी की। तो सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? एक तो सबसे पहली बात तो एक वो हो जाए हमारा जो राजकीय इंटर कॉलेज बन जाए, कन्या इंटर कॉलेज। हाँ, कन्या इंटर कॉलेज अगर वो आएगी तो फिर बैंक भी आ जाएगी उसी के साथ में। जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये हो जाए तो जो महिलाएं हैं, बेचारी लड़की हैं, हाँ, जो गरीब बच्चे दूर नहीं पढ़ सकते वो पढ़ सकते हैं। शिक्षा का विकास होगा तो सब विकास हो जाएंगे, समझ लो। जी, आपका मानना है कि शिक्षा का विकास होगा तो गांव खुद ब खुद विकास के रास्ते पर चलेगा? जी जी सर। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है, सीसी कार्य भी काफी कराया गया है, सड़क निर्माण, आवास भी लोगों को दिलवाए गए हैं, शौचालय से भी ये गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है। यहाँ पर जो प्रमुख समस्या प्रधान द्वारा बताई गई है, उनका मानना है कि यहाँ यदि राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बन जाता है तो यहाँ लोगों को काफी परेशानियों का सामना करने की आसानी इनको मिल जाएगी। जो गरीब बच्चे, जो लड़कियां ज्यादातर यहां से बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकती है, इनका मानना है कि यहां यदि इंटर कॉलेज बन जाता है तो लड़कियां अपने ही गांव में रहकर अच्छे शिक्षित हो सकती हैं और शिक्षा का स्तर यदि अच्छा और विकसित होगा तो गांव खुद ब खुद विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24।